देख ले, ये फ्रूट मार्केट है, इधर सब्जी मार्केट है, जो भी चीज ले लो। ये माल्टा, ये माल्टा है, ये कितना रेवा किलो है? ये चेरियल नहीं, तुम्हारा लिए पास रियल ले। साग बनाओ तो मूली भी ले लिया करो यार, साग बनने के बाद मूली खाओ ना, मूली ठंडियों के मौसम में यार देसी चीज है यार, मजा आ जाता है। डेली हम लोग लेके जाते हैं सलाद वगैरह खाने के लिए। जय हिंद, नमस्ते, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। मैं भी हूं अपने यूट्यूब चैनल भीम ताल ब्लॉग में, स्वागत करता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट में और जितेंद्र भाई भी आए हैं। और क्या हाल जितेंद्र भाई? सब बढ़िया भाई लोग। और राजू भाई हैं, आज पहली बार आए हैं मार्केट में और पहली बार मिले हैं। सो हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में, ऐसे जितेंद्र भाई फ़ोन किए थे, क्या हरा पालक या हरा साग मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो भाई जब मेन मार्केट में जहाँ पे पहुँच जाओगे तो क्या नहीं मिलने वाला है वो पूछना चाहिए, हर चीज़ मिल सकता है। तो सब्जी वगैरह भी इनको लेना है क्योंकि थोड़ा सा आउट में आदमी रहता है ना, और मेन मार्केट जो मुफरक पर रहता है। सो चलते हैं पहले, देखते हैं क्या क्या इनको लेना है। और हम लोग निकल रहे हैं दो रियाली मार्केट की तरफ से, थोड़ा सा इनको जग वगैरह लेना है, तो ऐसे में देखते हैं जितेंद्र भाई को क्या क्या ज़रूरी है वो भी सामान खरीदवाएँ क्योंकि इनका टाइम है वापस से दुकान पे जाने के लिए। सो बन रहे वीडियो पे, वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना जिससे जो भी मैं वीडियो डालू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। टाइम है 3:10 हो रहा है और असर का अजान भी हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं मार्केट। खैर सलाह तो हुआ है लेकिन मार्केट सब बंद नहीं रह रहा है, कुछ मार्केट जो है खुल रहा है। और पहले क्या होता था, जब अजान वगैरह होता था ना तो सभी मार्केटें बंद हो जाती थी, असर का 4 बजे वाला जो अजान है। और ये क्या यार, ये तो पूरा रोड का ना वाट लगा पड़ा है, पूरा डाम्बर पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर एक बार भी पैर इसमें घुसेड़ दिया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। रुको जरा, सबर करो। तो भाई ये मोफरा खलदिया का जो रोड है ना, बहुत काफ़ी टाइम से बन रहा है, लगभग 2 महीना धीरे धीरे होने वाला है और अभी लग रहा है लास्ट सीजन में आ गया है। और लेकिन इसमें जो इतना काफ़ी डांबर पड़ गया है और कहीं पैर रख दिया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। रूम का एक आदमी ना डांबर लेके चला भी गया था रूम में, और उसने जो बाथरूम में धो के रखा था ना, पूरा बाथरूम में डांबर ही डांबर हो गया था। और देखो गाड़ी इधर से गुजरी है, पूरा पहिए में चिपक चिपक कर निकल चुका है। इधर कुछ ठंड का कपड़ा बिक रहा है और ये बेचने वाला इंसान तो भैया ये है खलदिया मार्केट। और मार्केट का हालत देख ही सकते हो, आज जुमा है, इसे में भीड़ भाड़ बहुत काफ़ी रहता है यहाँ पे, लेकिन यार पूरा खाली खाली सा दिख रहा है। सो जितेंद्र भाई कितना दिन हो गया आपको मुफरक खलदिया मारे हुए? 15 दिन पहले आए थे। 15 इतना भीड़ भाड़ था नहीं, कोई भी आदमी नहीं दिख रहा, पता भी नहीं चला जुमा यार, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, अभी कुछ नहीं है। ओह देख सकते हैं पूरा खाली सा दिख रहा है यार। और ऐसे में आदमी हमको लगता है इसीलिए बाहर कोई निकल भी नहीं रहा है क्योंकि रोड का जो हालत है ना बहुत काफ़ी ख़राब है। बंद भाई ये क्या है मटके में जो रखा हुआ है? लस्सी, लस्सी है भाई ये, जितना रसगुल्ला नहीं उससे ज़्यादा नारियल का कुछ इसमें का। जलेबी आज का है ना बंधु भाई? हाँ आज वाला है ना जलेबी। तो जितेंद्र भाई फिलहाल जितेंद्र भाई को खैर जल्दी है जाने के लिए और हम लोग आ गए हैं थोड़ा जलेबी वगैरह खाने के लिए। हालांकि जलेबी यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है, गर्मा गर्म जलेबी जो अपने इधर मिलता है ना वो तो मज़ा ही कुछ और आता है, क्योंकि जो गर्म गर्म जलेबी सिरेम से निकलता है उसको खाने में तो कुछ और ही इंटरेस्ट आता है। अच्छा अपने इधर का गर्मा गर्म जलेबी कैसा लगता है? हेलो भाई, जलेबी खाकर तो मूड खराब हो गया, अभी क्या लेना है जितेंद्र भाई? ये है ना हरा हरा, कितना सब्जी चाहिए? हरा वाला पूरा भरा पड़ा है यार यहाँ पे। जितेंद्र भाई क्या मेथी साग लेके जाना है? हाँ अरे ले लो यार जितना चाहिए, क्या करे वहाँ देसी। कितने का है मेथी, कितने का? हाँ एक रियाल का 2 पीस है, 3 पीस 5 रियाल। पालक साग बनाओ तो मूली भी ले लिया करो यार, साग के साथ मूली है इधर है, बड़ा वाला ले बड़ा वाला। मूली खाने के लिए, साग बनने के बाद मूली खाओ ना, मूली ठंडियों के मौसम में यार देसी चीज़ है यार, मज़ा आ जाता है। डेली हम लोग लेके जाते हैं सलाद वगैरह खाने के लिए। अरे एक आध किलो ले ले यार, बार बार क्यों आने की जरूरत ना पड़ेगी ना। अरे तो ये मोहरा मार्केट है भाई, यहाँ पर थोड़ा रेट वगैरह थोड़ा ये सब्जी ये रईसा और मफरक में बहुत काफ़ी रेट फ़र्क है। ये लग रहा है यार पेड़ में जो चू गया है ना धरती पे, जमीन पे गिरा हुआ है वो सब लेके आए यार, लेकिन चुचुक गया है सब। खमसर किलो है जितना भाई चाहिए?
5 रियाल किलो क्या बात है यार, सब नीचे नीचे मार्केट पड़ा है। कमला है ना? हाँ हाँ हाँ, संतरा ही है। बोलता है एसबी माठा उधर ही है, वो माठा है। देख लो देख लो, ये फ्रूट मार्केट है, इधर सब्जी मार्केट है, जो भी चीज ले लो। ये माल्टा है, ये माल्टा है। ये कितना रहेगा किलो है? ये 6 रियाल नहीं, तुम्हारा लिए 5 रियाल लेते। ओ भाई, आज जो यार मार्केट बहुत खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि ये मफरक हल्दिया का इशारा है और यहाँ पे चौराहे पे ऐसे ही गाड़ी बहुत काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है। हमको लगता है थोड़ा और टाइम बाद शायद गाड़ी वगैरह रहेगा। और बाकी जो दुकानें हैं सब खुल चुकी हैं, यहाँ पे आगे वेस्टर्न यूनियन और बाकी बहुत सारे जो बैंकें हैं, NCB हो, बाकी क्विक पे वगैरह, अल अहली, यानी हर बैंक यहाँ पे है फिलहाल पैसा वैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। बाकी ठीक ठाक है। और जितेंद्र भाई अभी निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। और खैर, यहाँ पे बहुत काफ़ी महंगा सर सब्जी यानी जो भी है महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने बस थोड़ा सा सब्ज़ी लिया है। सो खैर, क्या कर सकते हैं, इनके इधर जब सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पर मार्केटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पे है वेस्टर्न यूनियन बैंक, और यहाँ पे जो भी पैसा ट्रांसफ़र होता है बहुत फास्टेट हो जाता है। और मनी ट्रांसफ़र इधर इरसाल वाला है, इरसाल आई है। तो भैया जितेंद्र भाई, राजू भाई अभी उधर खड़े हैं टैक्सी के लिए। हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा जो है मार्केट घूम लिया है, हालांकि मार्केट में जो गारा गिरा है ना नीचे, वो गर्जन गिरा है ना, उसकी वजह से घूमना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैर में बहुत काफ़ी चिपक रहा है। और खैर, थोड़ा मोड़ा जो भी है जलेबी हम लोगों ने खाया जितेंद्र भाई और राजू भाई एक साथ में। सो वो लोग अभी टैक्सी पकड़ के अभी निकल रहे हैं रूम के लिए, और हम लोग भी चल रहे हैं वापस से रूम पे। और मैंने जो उस टाइम पिछली बार जो वीडियो में अंडा तोड़ कंपटीशन हुआ था, तो इस बार मैं लेके आया हूँ नारियल, और नारियल कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 नारियल लेके आया हूँ। और नारियल तोड़ कंपटीशन होने वाला है आज, तो वो तो वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिलहाल अभी देखते हैं कौन कौन तैयार हो रहा है कंपटीशन को करने के लिए। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं पहले से भाई हाथ में दर्द हो जाएगा, और एक आदमी तो पूरा 10 का 10 तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो देखते हैं कौन तैयार होता है भाई। तो अभी मैं फ़ोन किया था दिलसाद को और बाकी लोगों को जो लोग कंपटीशन करने वाले थे, खैर नारियल तोड़ने वाला, तो वो लोग अभी हैं मैच खेलने के लिए गए हैं। और ऐसे में फ़िलहाल थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हम लोग खैर इंतज़ार तो करना पड़ेगा, करेंगे कंपटीशन, देखते हैं कौन कितनी बार में नारियल तोड़ता है। हालांकि कोशिश करेंगे कम से कम मुक्का मार के, यानी मुक्का मार के ही तोड़ना है, तो कम से कम मुक्का मार के जो ज़्यादा यानी जो ज़्यादा तोड़ देगा तो भाई वही विजेता बनेगा। और विजेता के लिए कोई इनाम अभी फिलहाल घोषित नहीं हुआ है, देखते हैं बैठ के क्या डिस्कस होता है, क्या निकलता है फिलहाल आके। लो फिलहाल कोई काम धंधा तो है नहीं, अभी चलते हैं थोड़ा सा अनिल भाई के रूम में और पकाते हैं उधर, देखते हैं कौन सा इंसान दरवाज़ा खोलता है। और इसे मैं ज़ोर से ठोकना है दरवाजे को। रे दरवाजा खोल के, बाप रे बाप, ये तो पब्लिक बैठ के का हो रहा है, कोई नाखून काट रहा है, कोई मोबाइल में क्या काट रहा, क्या काट रहा था मुझसे भैया मोबाइल में? मोबाइल में म्यूजिक देख रहे। अनिल भाई म्यूजिक देख रहे हैं, पानी गर्मा गर्म आ रहे हो, और बढ़िया सब है? अच्छा, कच्चा सुबह खाना पीना हो गया नहीं? अंडा उबालते हैं, बस खाओ के जाइएगा। अंडा उबालते हैं हाथ से तोड़ के? अरे एकदम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो दोस्तों, जो नारियल का जो कंपटीशन था वो फिलहाल इस वीडियो में तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको नारियल का जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग मैच खेल के भी बहुत लेट से आए, तो पूरे थके हारे थे, तो ऐसे में समय लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो मैं सोचा क्यों ना दूसरे दिन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का मिलने वाला है, सो अगला वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाए। सो फाइनली तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।